महाराष्ट्र के पाथरे गांव में साई बाबा का जन्म 27 सितंबर 1830 को हुआ। साई के जन्म स्थान पाथरी पर एक मंदिर है। मंदिर के अंदर साई की एक खूबसूरत मूर्ति है। ये बाबा का निवास स्थान है, जहां पुरानी वस्तुएं जैसे कि बर्तन, घटी और देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मंदिर के व्यवस्थापकों के अनुसार ये साई बाबा का जन्म स्थान है। उनके अनुसार साई के पिता का नाम गोविंद भाऊ और माता का नाम देवकी अम्मा है। कुछ लोग उनके पिता का नाम गंगा भाव बताते हैं और माता का नाम देवगिरी अम्मा। कुछ हिंदू परिवारों में जन्म के समय तीन नाम रखे जाते थे, इसलिए बीड़ इलाके में उनके माता पिता को भगवंत राव और अनुसुईया अम्मा भी कहा जाता है। वो यजुर्वेदी ब्राह्मण होकर कश्यप गोत्र के थे। कुछ उन्हें भारद्वाज गोत्र का मानते हैं। साई के चले जाने और पिता के देहांत के बाद उनके परिवार के लोग हैदराबाद चले गए और फिर उनका कोई अता पता नहीं। लेकिन अब पता चला है कि उनके भाई का परिवार आज भी हैदराबाद में है। शशिकांत शांताराम गडकरी की किताब सदगुरु साई दर्शन, एक बैरागी की स्मरण गाथा। इसके अनुसार साई ब्राह्मण परिवार के थे। उनका परिवार वैष्णव ब्राह्मण यजुर्वेदी शाखा और कौशिक गोत्र का था। उनके पिता का नाम गंगा भाव और माता का नाम देवकागिरी था। देवकागिरी के पांच पुत्र थे। पहला पुत्र रघुपत भुसारी, दूसरा दादा भुसारी, तीसरा हरिबाबू भुसारी, चौथा अम्बादास भुसारी और पांचवे बालवंत भुसारी थे। साई बाबा गंगा भाऊ और देवकी के तीसरे नंबर के बेटे हैं। उनका नाम था हरिबाबू भुसारी। साई के भाई के बेटे और पुत्र आज भी हैदराबाद में रहते हैं। साई बाबा के जन्म स्थान के पास ही भगवान पांडुरंग का मंदिर है। इसी मंदिर के बाई ओर देवी भगवती का मंदिर है, जिसे लोग सप्तशृंगी देवी का रूप मानते हैं। इसी मंदिर के पास चौधरी गली में भगवान दत्तात्रेय और सिद्ध स्वामी नरसिंह सरस्वती का भी मंदिर है, जहां पवित्र पादुका का पूजन होता है। लगभग सभी मराठी भाषियों में नरसिंह सरस्वती का नाम प्रसिद्ध है। थोड़ी ही दूरी पर राजाओं के राजबाड़े हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर साई बाबा का पारिवारिक मारुति मंदिर है। साई बाबा का परिवार हनुमान भक्त था, वो उनके कुल देवता है। ये मंदिर खेतों के बीच है, जो एकमात्र गोल पत्थर से बना है। यही पास में एक कुआ है, जहाँ साई बाबा स्नान कर मारुति का पूजन करते थे। साई बाबा पर हनुमान जी की कृपा थी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप तक ऐसी और भी कई कहानियां, किस्से, जानकारी और तथ्य हर रात 9 बजे यूं ही पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।